हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। क्लास नंबर 197 एनसीईआरटी रिकैपिटुलेशन वाली सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। देखो, इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर आधा कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग आधा यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सब कुछ एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एनसीईआरटी के बाहर हम बिल्कुल नहीं जा रहे। एक एक टर्म, एक एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, ठीक है। बाहर से किसी भी तरह का नया टर्म हमने यहाँ पर नहीं लिया है। तो अच्छे से देखें इस वीडियो को, समझें सारी चीज़ों को अच्छे से, क्योंकि मैक्सिमम पेपर जो आपका नीट का आने वाला है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने अब तक जो है, इससे पहले आप वो पहला पार्ट वाला वीडियो देखो ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए। हमने वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, उसके वेरियंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर समझ लिया था। हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो सारा डिस्कशन करेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बारे में, दैट इज लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी की, किस तरह से इस प्लैनेट से बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब अगर मैं अपने प्लैनेट की बात करूँ तो अपने प्लैनेट का जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, यानी जो बायोलॉजिकल खजाना है, वो बहुत तेज़ी से फटाफट डिप्लीट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हम इंसानों की एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत लॉस हो रहा है बायो डाइवर्सिटी का। जब से ह्यूमन बींग्स ने पैसिफिक आइलैंड्स के ट्रॉपिकल आइलैंड्स को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया है, तब से हमने ये देखा है कि करीब 2000 स्पीशीज़, वहाँ रहने वाली 2000 बर्ड स्पीशीज़ जो है वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुकी है ह्यूमन के कॉलोनाइजेशन के बाद में। IUCN 2004 की रेड लिस्ट देखता हूँ मैं। IUCN हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी 2004 की रेड लिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि रेड लिस्ट होता क्या है। देखो, रेड लिस्ट इस दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ है, कितनी थ्रेटन्ड है यानी कितनी खतरे में, कितनी एक्सटिंक्ट हो गई, कितने एक्सटिंक्ट होने के निशान पर है, ठीक है, इन सब का जो पूरा डेटा वो IUCN की रेड लिस्ट में रहता है। और आगे इनको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो भी यहीं पर सारा डिस्कशन किया जाता है। तो यही होता है रेड लिस्ट। तो 2004 की रेड लिस्ट जो आई थी IUCN की, वो ये कहती है कि पिछले 500 सालों में इस धरती से करीब 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है। 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है, ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये कह सकते हो कि हर साल आपको करीब 1.5 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है। काफ़ी अलार्मिंग रेट है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर ये एक्सटिंक्शन होता जा रहा है। इन 784 स्पीशीज़ में से 338 स्पीशीज़ वर्टिब्रेट्स की थी, 359 इनवर्टिब्रेट्स की, और 87 प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पर एक्सटिंक्शन हो चुका है पिछले 500 सालों में। और 15,500 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्शन के थ्रेट पे है, यानी एक्सटिंक्शन उनका होने वाला है। 15,500 स्पीशीज़, यानी 500 से बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा, मतलब कि 500 साल में 784 हो चुकी है एक्सटिंक्ट, और अभी के टाइम पे 15,500 स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन होने के निशान पर पहुंच चुकी है। इसमें 12% बर्ड की स्पीशीज़ है, 23% मैमल की स्पीशीज़ है, और 32% एम्फीबियंस की स्पीशीज़ है, और 31% जिम्नोस्पर्म्स की स्पीशीज़ है। अगर मैं बात करूं तो पिछले 20 साल का डेटा, ये कहता है कि 27 स्पीशीज़ डिसअपीयर हो चुकी है पिछले 20 साल के अंदर। और ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो टेक्सास के हिसाब से रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी भी टेक्सास से अचानक से कोई भी स्पीशी गायब हो रही है, ऐसा नहीं है। इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लेके देखूं तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब उनका एक्सटिंक्शन, वो ज़्यादा एक्सटिंक्शन के लिए वल्नरेबल है, ससेप्टिबल है, जैसे कि एम्फीबियंस। अब ऊपर एम्फीबियंस का रिकॉर्ड देखो, एम्फीबियंस में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 32% जो एम्फीबियंस है यहाँ पर, ये 32% एम्फीबियंस जो है फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में, यानी बर्ड्स, जिम्नोस्पर्म्स और मैमल्स से भी ज़्यादा एम्फीबियंस जो है वो वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए। अब जो रिसेंट एक्सटिंक्शंस की बात करेंगे कि अभी के सालों में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनके एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने दिए हैं। उन एग्जांपल्स को याद हमें करना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उनको याद करने के लिए एक निमोनिक है जिसका नाम है थैंक यू दोस्त। हमें क्या बोलना है, थैंक यू दोस्त। आप उसको ऐसा समझ लो कि उन एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने के बावजूद भी, उन एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होने के बावजूद भी नेचर हमको क्या कर रहा है, थैंक यू दोस्त। तो ये नेचर का बड़प्पन है। तो थैंक यू दोस्त, यानी TQDOST, थैंक यू दोस्त। टी से आपको याद करना होगा थैलासिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक तरह का
क्या कह सकते हो आप, कह सकते हो आपकी एक तस्मानियन एनिमल है थालासिन। उसके बाद में की फॉर कैगा, जो कि अफ्रीकन एक जेब्रा की स्पीशी थी। डी ओ से याद करना पड़ेगा आपको डोडो, जो कि मॉरिशियस में था। डोडो एक बर्ड है जो कि मॉरिशियस में था। ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं दोस्तों। फिर आता है एस, एस से आपको याद करना है स्टेलार्स। सी काउ जो रशिया में प्रेजेंट थी। उसके अलावा आपको याद करना है टी से टाइगर की कुछ सब स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो गई, उनमें जो तीन सब स्पीशीज है उनका नाम है बाली, जावा और कैस्पियन। यानी ये सारे एनिमल्स, ये सारे के सारे एनिमल्स रिसेंट एक्सटिंक्शंस के एग्जाम्पल है। अब धरती से विलुप्त हो चुके हैं, अब आपको ये धरती पर देखने को नहीं मिलेंगे। याद कैसे करना है, थैंक यू दोस्त, थैलासिन, कैगा, डोडो, स्टेलार्स, सी काऊ और टाइगर की तीन सब स्पीशीज, बाली, जामा और कैस्पियन। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है जो हमें याद करने हैं। अब हम बात करेंगे मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की, यानी बहुत सी स्पीशीज का एक साथ में एक्सटिंक्ट होना। जैसे हम कहते हैं मास पंख मारते हैं हम क्लास से, बहुत सारे बच्चे एक साथ गायब हो जाते हैं, उसी तरह से बहुत सारी स्पीशीज एक साथ में एक्सटिंक्ट हो रही है। जब से अर्थ बनी है, जब से अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई है, मतलब कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर अब तक अगर मैं बात करूँ तो टोटल मास एक्सटिंक्शंस के 5 एपिसोड्स हो चुके हैं। जब हम लोग अगर हिस्ट्री पढ़े अर्थ पे लाइफ की, तो टोटल अब तक हम 5 एपिसोड्स देख चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। यानी 5 बार मास लेवल पे एक्सटिंक्शन हो चुका है, और यहाँ तक कि ह्यूमंस के आने से पहले भी इस तरह के मास एक्सटिंक्शन देखे गए हैं। और अभी जो चल रहा है वो है 6th एपिसोड। अभी कौन सा चल रहा है, 6th एपिसोड। 5 पहले हो चुके हैं, 6th अभी चल रहा है। लेकिन ये जो 6th एपिसोड है, ये 6th एपिसोड अपने पिछले 5 एपिसोड से 100 से 1000 गुना ज़्यादा तेजी से चल रहा है। यानी ये एपिसोड 100 to 1000 times फास्टर है प्रीवियस एपिसोड से। और उसके पीछे का कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम इंसानों की एक्टिविटीज़ जो है, हमें जो इतना हर चीज़ में जो बिजनेस माइंड होकर सोच रहे हैं, हर चीज़ में हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उस अपने फ़ायदे की वजह से जो 6th एपिसोड है वो 100 से 1000 गुना तेज़ी से चल रहा है। और अगर इसी तरह से ये सब कुछ चलता गया, अगर इसी तरह से इसी स्पीड पे ये सब कुछ चलता गया, तो अब अगले 100 सालों में आधी से ज़्यादा स्पीशीज जो है इस धरती से खत्म हो चुकी होगी। अब सवाल आता है कि सर अगर बायोडायवर्सिटी खत्म हो गई तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे, उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, बिल्कुल सीधी सी बात है, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। अब सवाल आएगा कि सर बायोडायवर्सिटी कम होने से प्लांट की प्रोडक्टिविटी कैसे कम होगी। तो हमें अच्छे से पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड है, एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एनिमल्स गए तो प्लांट्स को भी नुकसान, प्लांट्स गए तो एनिमल्स को भी नुकसान। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस मतलब प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उसके अलावा इन फॉरेस्ट्स की वजह से, बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो एनवायरमेंटल जो डिस्टर्बेंसेस होते थे, जैसे बाढ़ आना या अकाल फेमाइन आना, ड्रॉट अकाल को बोलते हम, तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट अगर अच्छी खासी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हो तो इस तरह के जो डिस्टर्बेंसेस है उससे आसानी से लड़ सकता है। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो हमारा एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस के अगेंस्ट जो लड़ने की ताकत है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा इकोसिस्टम के जितने भी प्रोसेसेस है, जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी, उनका वाटर का यूज़ और डिजीज की साइकिल्स, उन सब में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मतलब प्रोडक्टिविटी ऐसा हो जाएगा कि कुछ साल तो बहुत ज़्यादा और कुछ साल बहुत बहुत कम, तो ये वेरिएशंस उनमें देखने को मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी की लॉस की वजह से। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रही है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। और जो उसका सबसे मेन कारण है, ये बताते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि जो इसका सबसे मेन कारण है वो है हम लोग, आप और मैं, हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी का इतना भारी नुकसान हो रहा है। 4 मेजर कॉजेज बता रहा हूँ मैं आपको, 4 मेजर कॉजेज, 4 मेजर कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन 4 मेजर कॉजेज के पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल है। और इन चारों को एक साथ जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है इविल क्वार्टेट। इविल मतलब बुरा, और क्वार्टेट 4 के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब 4 बुरी चीज़ें, 4 बुरे कारण जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। अब ये 4 मेजर कॉज जो है उनको याद करने का, जो हमारे पास में निमोनिक है वो निमोनिक है ये सवाल कि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हुई है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है। यानी ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने केओस प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, केओस
केओस, केओस किसको कहते हैं हम लोग, केओस का मतलब होता है अगर सारी चीज़ें अपने ऑर्डर के हिसाब से चलना बंद हो जाए, कहते हैं ना कि क्या केओस कर रखा है तुम लोगों ने, मतलब कि सारा ऑर्डर तुमने बिगाड़ दिया, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सारी एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन बींग्स की वो रेस्पॉन्सिबल है इस धरती पर बायोडाइवर्सिटी के केओटिक लॉस के लिए, तो हमें क्या याद करना है, केओस, केओस, केओस के सी से आपको याद करना है को एक्सटिंक्शन, एच से याद करना है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ए से आपको याद करना होगा एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, और ओ से याद करना है ओवर एक्सप्लोइटेशन, एस से कुछ भी याद नहीं करना। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, केओस, और इस केओस की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन और ओवर एक्सप्लोइटेशन। अब आओ अपन चारों इन चारों को बारी बारी से स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस मतलब जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं उनके हैबिटेट्स हमने छीन लिए, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, जंगल ही उनका हैबिटेट हुआ करता था। हम जनरली कई बार कहते हैं ना कि जंगली जानवर शहरों में घुस रहे हैं, ये गलत है, जंगली जानवर शहरों में नहीं घुस रहे, हम लोग उनके जंगलों में घुस रहे हैं, आप समझो, ये जो नए शहर, नए डेवलपमेंटल, नए नए अर्बन एरियाज बन रहे हैं वो हम लोग जंगल काट काट के बना रहे हैं, तो वो जानवर हमारे शहरों में नहीं आ रहे, हम हमारे शहर उन जंगलों में लेकर जा रहे हैं। और उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब बहुत बड़ा जंगल आपने उनके टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे जंगलों में तब्दील कर दिया, तो ये बहुत बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ डेटा है अपने पास में, वो डेटा इस बात को प्रूव करेगा कि किस स्पीड से जो है हमने रेन फॉरेस्ट कट किए हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक वक्त था जब अर्थ के सरफेस का 14% पार्ट, कितना पार्ट, 14% पार्ट जो था वो कवर्ड था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, लेकिन अभी की मैं अगर बात करूँ तो ये कवरेज केवल 6% हो चुका है, यानी हम करीब करीब 8% हम करीब करीब 8% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया जो है जो कवर्ड था वो उड़ा चुका है। पहले अर्थ का 14% एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, अब केवल 6% एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और अब तो ये जो कवरेज है वो और भी ज़्यादा कम हो गया होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा नाम किसका आता है, हमारे दिमाग में सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है अमेजन रेन फॉरेस्ट का, जो हमने हमारे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, साउथ अमेरिका के जंगल से ये सबसे रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम इन्हें कहते हैं लंग्स ऑफ दी प्लैनेट। ये पिक्चर देखो कितना खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन है एक पिक्चर के थ्रू ये बताने का कि फॉरेस्ट जो है लंग्स का काम करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, लेकिन हम उन्हीं लंग्स को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को बहुत स्पीड से काटा जा रहा है ताकि वहाँ पर सोयाबीन की खेती की जा सके। सोयाबीन की खेती होगी तो क्या होगा, हम इंसान उससे पैसा कमाएंगे, कमर्शियल है ये सब कुछ, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो सोयाबीन की खेती करके हम पैसा ज़रूर कमाएंगे, लेकिन इससे रेन फॉरेस्ट का नुकसान होगा। उसके अलावा हम लोग बड़े बड़े जंगलों को काट काट कर ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम जो जानवरों को पाल रहे हैं उन जानवरों को वहाँ पर फीड करवा सके, उसमें भी फ़ायदा उन जानवरों का नहीं है, उसमें फ़ायदा किसका है, हम लोगों का, ताकि हम उन एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सके। हम इतनी सारी गायें क्यों पालते हैं, ताकि हम उनसे दूध ले सकें। बचपन में हम सीखते हैं कि गाय हमें क्या देती है, गाय हमें दूध देती है, गलत सिखाया जाता है, गाय हमें दूध नहीं देती, हम गाय से दूध लेते हैं। तो उन गायों को पालने के लिए हम लोग जो ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट्स को, ये हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। और अमेजन रेन फॉरेस्ट में देखा गया है, गूगल कर लेना, 2020 में अमेजन रेन फॉरेस्ट में बहुत बड़े लेवल पे आग लगी थी, जिसकी वजह से अमेजन रेन फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और केवल अमेजन रेन फॉरेस्ट नहीं, पिछले 2 सालों में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत से फॉरेस्ट, और ऑस्ट्रेलिया में इस साल जो ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत बड़ी आग लगी जंगलों में, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इंडिया में भी कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि फॉरेस्ट्स में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लॉस कर रहे हैं हम हमारे रेन फॉरेस्ट्स का। अब एनसीईआरटी की एक लाइन जो बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि जब तक आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे तब तक रेन फॉरेस्ट के 1000 हेक्टर से ज़्यादा जो है वो ज़मीन कट चुकी होगी। हम 1000 से ज़्यादा हेक्टर से रेन फॉरेस्ट के ख़त्म कर चुके होंगे। कब तक, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब आप निकाल सकते हो कि किस पेस पे या किस स्पीड से हम लोग लूज़ करते जा रहे हैं हमारे रेन फॉरेस्ट को। कारण हमारा
लालच हमारा बिजनेस। अब पॉल्यूशन खुद से बहुत सारी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रोड़ा अटका रहा है, मतलब उस पॉल्यूशन की वजह से जो सर्वाइवल उनका मुश्किल होता जा रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन ले लो, वाटर पॉल्यूशन ले लो, एयर पॉल्यूशन ले लो, इन सब की वजह से बहुत सारी स्पीशीज का नुकसान होता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, जंगलों को, बड़े बड़े जंगलों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने से क्या होगा, देखो कुछ मैमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिनको बड़ी बड़ी टेरिटरीज लगती है सर्वाइव करने के लिए, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा हमने बहुत सारे एनिमल्स की बात की है जिनमें माइग्रेशन वाली हैबिट्स रहती है, और माइग्रेशन तो आप तभी कर पाओगे ना जब बहुत बड़े बड़े जंगल होंगे। आपका जंगल सिमट कर केवल 4 किलोमीटर के एरिया में रह गया तो उन 4 किलोमीटर के एरिया में आप मैमल्स, बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ में नहीं रख पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इवल क्वार्टेट का सेकंड कंपोनेंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयट करना मतलब शोषण करना किसी चीज़ का, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ का शोषण करोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। हमने जानवरों को पालना क्यों चालू किया था, ताकि हम उनसे कुछ चीज़ें ले सके। गाय पालते थे ताकि हम उनसे दूध ले सके, लेकिन अब हम गाय पालते ताकि हम भी उनसे दूध ले सके और उन दूध को बेच के हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सके। यानी कि एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जब नीड ग्रीड में बदल जाए तब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी जो हमारी ज़रूरत अगर लालच लालच में बदल जाए तो इसे कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, पहले मछली पकड़ते थे, खुद खाते थे या बाजू वाले को खिलाते थे, अब हम मछली पकड़ते हैं और उसे दुनिया भर में बेचते हैं, तो नीड क्या बन गई, ग्रीड। इसे हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन में के लिए। और एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल भी दे दिए उन एनिमल्स के जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से खत्म हो गए, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट ही हो गए, जिसमें पहला एग्जाम्पल दिया है पैसेंजर पिजन का और दूसरा एग्जाम्पल दिया है स्टेलार सी काऊ का, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी रशिया के अंदर। तो ये दो स्पीशीज खत्म हो गई, कारण हमारा लालच, हम ह्यूमन बींग्स का लालच। तीसरा है को एक्सटिंक्शन, को मतलब साथ में, यानी एक गया तो दूसरा भी जाएगा। अब सीधी सी बात है, हमने बहुत सारे एनिमल्स में पढ़ा है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। मैं लाइकन्स की बात करता हूँ, लाइकन्स में अगर एल्गी गई एक्सटिंक्ट हो गई तो फंगाई भी जाएगा, एल्गी गई तो फंगाई भी जाएगा, तो उसे हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। जो स्पीशीज एक दूसरे के साथ ऑब्लिगेटरी वे से जुड़ी हुई है, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जुड़ी हुई है, उसमें से अगर एक गया तो दूसरा भी जाएगा। हमने फिग और वास्प का रिलेशन देखा होगा कि किस तरह से अंजीर के अंदर वास्प का जो इंसेक्ट है उसके लार्वा डेवलप भी होते हैं और वो अपने एग्स भी वहाँ देता है। फिग एक्सटिंक्ट हो गया तो वो वास्प भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब भी कोई होस्ट स्पीशी, जैसे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया कि कोई होस्ट फिश की स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसके अंदर जितने भी पैरासाइट सर्वाइव कर रहे थे वो सब भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पैरासाइट होस्ट के बिना नहीं रह पाएंगे। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो पॉलिनेटर्स अगर खत्म हो गए तो प्लांट्स भी सारे खत्म हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो अभी चल रहा है। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत बड़े लेवल पे, आप ये चीज़ गूगल कर लीजिएगा, बहुत बड़े लेवल पे हनी बी जो है वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। और जिस दिन हनी बी इस धरती से धीरे धीरे गायब होने लगी, पॉलिनेशन बहुत कम होने लगेगा और प्लांट्स को भी एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। चौथा इविल क्वार्टेट का चौथा कंपोनेंट है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। अब एलियन स्पीशीज किसे कहते हैं, वो स्पीशीज जो उस एरिया की है ही नहीं लेकिन बाहर के एरिया से वहां पर उसको लाया गया, उसे हम कहते हैं एलियन स्पीशीज। देखो एलियन वर्ड हमने यूज कर लिया, एलियंस बेसिकली हम किसको कहते हैं जो इस प्लेनेट का नहीं होता, बट यहाँ पे एलियन स्पीशीज का मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी की नहीं थी। जैसे कोई स्पीशी इंडिया में नहीं है लेकिन आप उसको इंडिया में लेके आ गए, तो कई बार ये स्पीशीज जब किसी ऐसे एरिया में आती है जहाँ पर ये पहले से नहीं थी तो वो इन्वेजिव हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के एरिया के जो जो इंडिजिनस स्पीशीज़ है, इंडिजिनस मतलब वहाँ की लोकल स्पीशीज जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। एलियन स्पीशीज जब इंट्रोड्यूस की जाती है अनइंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली, कई बार तो हम ना चाहते हुए भी एलियन स्पीशी ले आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, जैसे हम लोग कहते ना, हमने पढ़ाया कि बहुत सारी प्लांट की वैरायटीज जिनका प्रोडक्शन अच्छा है उसको एक देश से दूसरे देश में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि उस देश में भी उसको ग्रो करवा के हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें उन प्लांट्स का। लेकिन कई बार जब सीड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुँचते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसे सीड्स भी आ जाते हैं जो वीड्स हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो उसके साथ में आ जाते हैं और वो आकर फिर परेशानियाँ प्रोड्यूस
करते हैं, तो वो तो हो गया अनइंटेंशनली, और डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के लाई गई, क्यों? कमर्शियल पर्पस के लिए। मैं बताऊंगा आपको एक एग्जांपल कि किस तरह से इंडिया के अंदर कमर्शियल यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक ऑर्गेनिज्म लाया गया और जिसकी वजह से कितना खतरा हो सकता है। अब इनमें से कुछ एलियन स्पीशीज इतनी ज़्यादा इन्वेजिव हो जाती है उस एरिया के अंदर कि उसकी वजह से जो इंडिजिनस स्पीशी यानी जो लोकल स्पीशीज़ है वहाँ की, वो उसका नंबर या तो कम हो सकता है या फिर वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो सकती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है नाइल पर्च का। नाइल पर्च एक बहुत बड़ी फिश है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में। ईस्ट अफ्रीका का एक बहुत बड़ा लेक है लेक विक्टोरिया। उस लेक विक्टोरिया में जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया तो कुछ टाइम बाद में 200 से ज़्यादा स्पीशीज चिचलिड फिश की एक्सटिंक्ट हो गई नाइल पर्च की वजह से। नाइल पर्च ध्यान रखना एक कार्निवोरस फिश है, उसकी वजह से 200 से ज़्यादा स्पीशीज चिचलिड फिश की क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका के अंदर। सिमिलरली इसकी बात कर रहा था मैं अफ्रीकन कैटफिश, कैटफिश अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गैरिपाइनस, ये इलीगली है, ये इलीगली इंडियन रिवर्स में इंट्रोड्यूस की गई। आप गूगल कर लेना अफ्रीकन कैटफिश के ऊपर बैन लगाया कि इंडियन में, इंडिया में इसका कमर्शियल यूज़ नहीं किया जा सकता, आप बाहर से इसको इंडिया में नहीं ला सकते, बट इलीगली सारे काम किए जा रहे। रूल्स बहुत बनाए गए, प्रोटोकॉल्स बहुत बनाए गए बहुत सी कंट्रीज़ में थ्रू आउट द प्लेनेट। हर कंट्री में रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, फॉलो कोई नहीं करता और उनको तोड़ने वाले को कोई कुछ नहीं कहता, जिसकी वजह से ये सब कुछ चला आ रहा है। लोग अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए हर वो गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे बहुत इसका गहरा असर पड़ता है। अफ्रीकन कैटफिश इंडियन रिवर्स में इलीगल तरीके से इंट्रोड्यूस की जा रही है जिसकी वजह से इंडिजिनस यानी कि इंडिया की जो लोकल कैटफिश है उसको सीधा सीधा खतरा है। अब एनसीईआरटी ने जो और एक्जोटिक स्पीशीज़ के एग्जाम्पल दिए उसमें पहला एग्जाम्पल है कैरेट ग्रास पार्थिनियम का, सेकेंड एग्जाम्पल लेंटाना और तीसरा एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ या आइकोनिया का। अब बात आती है कि जो पांच एग्जाम्पल अभी आपने देखे थोड़ी देर पहले, नाइल पर्च, अफ्रीकन कैटफिश, कैरेट ग्रास, लेंटाना, वाटर हाइसिंथ, ये पांचों एग्जाम्पल किसके हैं? एलियन स्पीशीज़ के। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एलियन स्पीशीज़ के नाम पूछे जाएंगे, तो उनको नाम याद करने के लिए कोई निमोनिक बनाना पड़ेगा और बहुत ही प्लीजेंट निमोनिक बताता हूँ मैं आपको। कैसा निमोनिक? प्लीजेंट निमोनिक। प्लीजेंट किसको कहते हैं हम? खुशनुमा, बहुत अच्छा सा। तो बहुत प्लीजेंट निमोनिक से आप एलियन स्पीशीज के नाम याद कर सकते हैं। और उस प्लीजेंट निमोनिक का नाम क्या है? प्लीजेंट। प्लीजेंट का स्पेलिंग लिखते हैं हम लोग PLEASANT। पी, पी का मतलब हो जाएगा पार्थिनियम यानी कैरेट ग्रास, एल का मतलब हो जाएगा लेंटाना, ई का मतलब हो जाएगा आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ। आपको याद हो तो आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्लांट का, उसमें बताया गया टेरर ऑफ बंगाल में आपने इसको पढ़ा होगा आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ। फिर है AS, AS का मतलब हो जाएगा एलियन स्पीशीज। क्यों? ताकि कि आपको ये भी याद रख सको कि एक्चुअल में निमोनिक है किस चीज़ का। तो AS से आपको याद हो जाएगा एलियन स्पीशीज यानी निमोनिक किसका है? एलियन स्पीशीज का। उसके बाद में आएगा A जो है कि अफ्रीकन कैटफिश यानी क्लेरियास गैरिपाइनस, और फिर है N यानी कि नाइल पर्च यानी पार्थिनियम लेंटाना आइकोर्निया एलियन स्पीशीज अफ्रीकन कैटफिश और नाइल पर्च। ये एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी ने किसके? एलियन स्पीशीज के। निमोनिक क्या है? बहुत ही प्लीजेंट निमोनिक है इसका, प्लीजेंट। चलो फिर सबसे बड़ा सवाल कि बायोडाइवर्सिटी बचानी क्यों है, बायोडाइवर्सिटी बचानी क्यों है? तो बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी है उसके पीछे तीन सोच है हमारे पास में, उसके पीछे तीन सोच है। पहली है एक नैरोली यूटिलिटेरियन सोच, दूसरी है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन सोच, और तीसरी है हमारी एथिकल सोच। नैरोली यूटिलिटेरियन सोच मतलब एक छोटी सोच, नैरो मतलब क्या होता है? संकरा, छोटी सोच। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब एक बड़ी सोच, और एथिकल मतलब होता है मोरालिटी। एथिकल मतलब क्या होता है? मोरालिटी, क्या आदर्श है, ठीक है, उसको एथिकल कहते हैं। छोटी सोच क्या हमारी? आप पूछो कि बायोडाइवर्सिटी क्या क्यों बचानी चाहिए, तो छोटी सोच हमारी ये है कि हमको बायोडाइवर्सिटी से कितना कुछ कमाने को मिलता, हमें बहुत कुछ खाने को मिलता, ठीक है, हमें डायरेक्ट जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है हमें नेचर से, वो हमारी छोटी किसी सोच है कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी चाहिए। फूड मिल रहा है हमें, सीरियल्स मिल रहे हैं, पल्सेस मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, फायरवुड मिल रहा है, फायरवुड मतलब जलाने को लकड़ियाँ मिल रही है, फाइबर मिल रहा है, अब जैसे कॉटन हो गया, हेम्प फाइबर्स हो गए, जूट हो गया, ये सब वहीं से मिलता है, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मिल रहा है, बिल्कुल लकड़ियाँ, लकड़ी को यूज़ करके हम लोग बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत सारे पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, ये सारा का सारा
सारा का सारा कमर्शियल पैसा इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आ रहा है। उसके अलावा बहुत सारी इन प्लांट्स को यूज़ करके हम दवाइयाँ बना रहे हैं, उन दवाइयों को बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं, हम हमारी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं। 25% से ज़्यादा ड्रग्स, 25% से ज़्यादा ड्रग्स हम प्लांट्स से ऑब्टेन करते हैं, और यहाँ तक कि करीब 25,000 कितनी 25,000 प्लांट स्पीशीज ऐसी है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब जैसे आयुर्वेदा या चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन कहलाती है कि किस तरह से प्लांट के प्रोडक्ट्स को या नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ही हम लोग जो है मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। तो ये हमारी एक तरह से छोटी सोच कह लो कि हमें जो डायरेक्ट इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है वो। अब बड़ी सोच क्या है? बड़ी सोच ये है कि यार हमें कितनी सर्विसेज देता है, हमें इकोसिस्टम कितनी सारी सर्विसेज देता है, वो भी फ्री में। इकोसिस्टम हमको चार्ज ही नहीं कर रहा। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ अमेजन की, तो अमेजन हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो जितना भी ऑक्सीजन है उसमें से 20% ऑक्सीजन केवल अमेजन से आ रहा है। अमेजन मतलब अमेजन फॉरेस्ट, ये वो होम डिलीवरी वाला अमेजन नहीं है कि सर 20% अमेजन से मतलब बाकी 80% फ्लिपकार्ट से आ रहा होगा, ये वो अमेजन नहीं है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 20% टोटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? अमेजन रेन फॉरेस्ट से। एक काम करो, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तुम्हारा जिसको ऑक्सीजन चढ़ाया गया है, उसका हॉस्पिटल का बिल देखना। उस हॉस्पिटल बिल में देखना कि ऑक्सीजन सिलेंडर का आपसे कितना चार्ज किया गया है, ठीक है? अब उस ऑक्सीजन सिलेंडर का वॉल्यूम देखना कि कितना ऑक्सीजन तुमको चढ़ाया गया, और फिर देखना इकोसिस्टम ने तुम्हें फ्री में इतना ऑक्सीजन दिया, अगर इकोसिस्टम उसका चार्ज करता तो तुमसे कितना पैसा वसूलता वो इकोसिस्टम, लेकिन तुम्हें वो जो है बहुत फ्री में दे रहा है। उसके अलावा पॉलिनेशन, बिल्कुल सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है आज? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा ही नहीं, पॉलिनेशन होगा ही नहीं तो ना तुम सर्वाइव करोगे, ना प्लांट सर्वाइव करेंगे, ना एनिमल सर्वाइव करेंगे, कुछ भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेगा। उसके अलावा एस्थेटिक प्लेजर्स, हमारी ज़िंदगी के बहुत खुशनुमा चीज़ें जो है, जैसे कि किसी का हाथ पकड़कर जंगलों में घूमना, समुद्र के किनारे टहलना, उसके अलावा खिलते हुए फूलों को देखना, और सुबह सुबह जो है उठना बुलबुल की आवाज़ सुन के, उसकी खूबसूरत आवाज़ सुन के उठना, तो ये सब चीज़ें हैं जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिल रही हैं, सब फ्री में मिल रही है। आप किसी सिंगर के कॉन्सर्ट में जाओ, 5,000 का टिकट देके 4 घंटे उस सिंगर को सुनने के लिए आप उसको 5,000 रुपये देके आते हो, बुलबुल तुम्हें वही गीत, उससे बढ़िया गीत तुम्हें फ्री में सुना के जाती है, तुमसे उसका चार्ज नहीं करती। तो ये हमारी ब्रॉड सोच है कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी चाहिए। तीसरा आता है एथिकल सोच। एथिकल मतलब मेरा मॉरल साइंस क्या कहता है, मेरे आदर्श क्या कहते हैं। देखो हाँ, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन चीज़ में अगर मैं इन सब चीज़ों पे प्राइस टैग लगा दूँ, यानी इनका पैसा लेने लग जाए इकोसिस्टम, तो हम सब कंगाल हो जाएंगे। हम इतने अमीर हैं ही नहीं, हम इतने अमीर है ही नहीं कि इकोसिस्टम की ये सारी सर्विसेज के लिए हम उन्हें पैसा दे सके। जिस दिन इकोसिस्टम ने चार्ज करना चालू किया, हम सब गरीब हो जाने वाले हैं। एथिकल, हमारे आदर्श विचार क्या कहते हैं। सीधी सीधी बात है, प्लेनेट के हम मालिक नहीं हैं, हम इंसान इस प्लेनेट के मालिक नहीं, हम ओन नहीं करते इस प्लेनेट को, हम इस प्लेनेट को शेयर करते हैं बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ में, प्लांट्स एनिमल्स, ये उनका भी इस प्लेनेट पे उतना ही हक है जितना हमारा। हमको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि हम ओनर है इस प्लांट के। हर स्पीशी का, हर स्पीशी का इस धरती पे जीने का हक उतना ही है जितना तुम्हारा या मेरा। चाहे वो स्पीशी तुमको किसी तरह का इकोनॉमिक फ़ायदा दे रही हो या नहीं दे रही हो, लेकिन उसका वैल्यू इस धरती पर उतना ही है जितना कि सबका है। और तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम हर एक स्पीशी का पूरी तरीके से ख्याल रखें। तो ये एथिकल सोच है हमारी कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए। तो 3 कैटेगरी बना दो। छोटी सोच वाले ये कहेंगे इकोनॉमिक फ़ायदा है, बड़ी सोच वाले ये कहेंगे कि यार कितना कुछ सर्विसेज मिल रहा है फ्री में, और एथिकल सोच ये कहती है कि हम, हमारे पाप का नहीं है ये प्लेनेट, खरीद नहीं लिया हमने, समझ रहे हो, सबको हक है यहाँ पर सर्वाइव करने का। नेक्स्ट बात करता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी बचानी कैसे है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है जग गए हो कि नहीं अब तो भाई बायोडाइवर्सिटी बचानी है। तो बायोडाइवर्सिटी कैसे बचानी है, उसके लिए क्या काम करना है, वो अब हम यहाँ पे दिखेंगे। बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए आपको इकोसिस्टम बचाना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए आपको इकोसिस्टम बचाना पड़ेगा। देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप
जंगलों में टाइगर्स को बचाना चाहते हो तो आपको उन जंगलों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आप जंगलों को हटाओगे तो टाइगर्स अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई चीज़? तो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करोगे तभी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी। अब करने के दो तरीके, पहला है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये वर्ड से समझ लेते हैं हम लोग। इन सीटू मतलब इन साइट, इन साइट मतलब जहां वो है उनको वहीं कंजर्व करो, जहां वो है उनको वहीं कंजर्व करो। जैसे अगर समझो कि मुझे टाइगर्स को बचाना है तो वो टाइगर्स जिन सरवाइव कर रहे हैं जिन एरियाज में, जैसे बंगाल टाइगर की बात करूं तो बंगाल टाइगर्स कहाँ पर है? सुंदरबन नाम के फॉरेस्ट्स में, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पार्ट में आते हैं सुंदरबन्स। तो अगर आपको वहाँ के टाइगर बचाने हैं तो आपको उन टाइगर्स को उन्हीं सुंदरबन्स में बचाना चाहिए। तो वो है इनसीटू कंजर्वेशन, यानी आप एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को वहीं प्रिजर्व कर रहे हो जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब आउट ऑफ दी साइट, यानी जो ओरिजिनल साइट है उसको वहां से हटाकर कहीं और लेके जाना, यानी आप ऑर्गेनिजम्स को अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर कहीं दूसरी जगह पे ले गए जहां पे आप उनको और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको। और ऐसा उन ऑर्गेनिजम्स के लिए किया जाता है जो या तो एंडेंजर्ड है, यानी कि खतरे के निशान पे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, या फिर करीब करीब एक्सटिंक्शन के लेवल पर पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्दी हमें कुछ करना होगा ताकि हम उन्हें एक्सटिंक्शन से बचा सके। तो उन्हें हम लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्शन वाली कैटेगरी में ले आते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन। अब इन सी टू कंजर्वेशन में भी कुछ तरीके हैं और एक्स सी टू में भी कुछ तरीके हैं, वो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। इन सी टू कंजर्वेशन की बात करूँ, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा इन सी टू कंजर्वेशन का तरीका है। इन सी टू कंजर्वेशन के तरीके याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक बता देता हूँ मैं, निमोनिक आपको, और वो निमोनिक है कि हीमोग्लोबिन जीत गया। कौन जीत गया? हीमोग्लोबिन जीत गया, यानी हीमोग्लोबिन विंस, HB। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB लिखते हैं, तो हीमोग्लोबिन विंस। कैसे याद करेंगे? H H मतलब हॉटस्पॉट, B B मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स, W W मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, I I मतलब इन सीटू कंजर्वेशन, क्योंकि निमोनिक किसका ही है? इन सीटू कंजर्वेशन का, इसलिए मैंने इन सीटू को भी इसमें डाल दिया। ध्यान रखो, खुद भी कभी भी निमोनिक बनाओ तो ये निमोनिक किस चीज़ का है वो भी उसमें डाल दिया करो ताकि याद रहे, क्योंकि कई बार निमोनिक याद रहता है पर ये याद नहीं रहता कि निमोनिक किस के लिए बनाया था हमने। एन एन ए नेशनल पार्क्स और एस एस सेक्रेड ग्रोव्स, इन सब के बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये नाम याद करवाने के लिए मैंने ये निमोनिक बताया। अब आप केवल इन सीटू कंजर्वेशन के नाम याद कर लो, एक्स सी टू जो है जो बचा वो सारे तरीके कौन से हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन के। तो इसके अंदर जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, इन सब की भी स्टडी हम थोड़ी देर में करेंगे। अब जो दुख भरी बात यह है कि जितनी स्पीशीज को हमें एक्सटिंक्शन से बचाना है, जितनी स्पीशीज को हमें एक्सटिंक्शन से बचाना है, यानी कि जितनी स्पीशीज आज एक्सटिंक्शन के खतरे पे है उन स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा है। किससे? जितने आपके पास में तरीके हैं उनको बचाने के, यानी अगर आपके पास उनको बचाने के इतने से तरीके हैं तो कितनी स्पीशीज थ्रेट पे, यानी कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन होने की कगार पे, उतनी। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोग ने देखा कि किस तरह से उन ऑर्गेनिजम्स जहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट है, उसी नेचुरल हैबिटेट को हमें बचाना है। उसमें सबसे पहले आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट बेसिकली हम किसको कहते हैं? जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट। अब आपको तो पता ही होगा, मोबाइल वाली जनरेशन है आपकी, हॉटस्पॉट किसको कहते हो? आप जब खुद वाईफाई हॉटस्पॉट बनाते हो, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वाईफाई के कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है उसको आप कहते हो हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब वो सारे एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच अवेलेबल है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ एंडमिज्म मिलेगा। एंडमिज्म मतलब देखो, एंडमिक स्पीशी एक वर्ड होता है। एंडमिक स्पीशी मतलब वो स्पीशीज जो आपको केवल उन्हीं एरियाज में देखने को मिलेगी, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलती। जैसे कि कैंगरूज, कैंगरूज केवल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, तो वो एक एंडेमिक स्पीशी है उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की। तो उसी तरह से हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म किस में है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया इस प्लेनेट पे? सबसे पहले तो हमने देखा कि सबसे पहले तो उन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करो। तो इनिशियली जब हमने टोटल 25 जगहों को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया और उसके बाद में उसमें 9 और एरियाज को जोड़ा, यानी अभी के टाइम पे टोटल हॉटस्पॉट्स कितने हैं? 34 हॉटस्पॉट्स मौजूद है इस पूरे प्लेनेट पे। इस पूरे प्लेनेट पे 34 हॉटस्पॉट्स को रिकग्नाइज किया गया है। पर
पर इन सबके बावजूद भी, इन सबके बावजूद भी आज भी हॉटस्पॉट्स जो है वहाँ पर एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है। एक्सीलरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से हैबिटेट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में टोटल 3 हॉटस्पॉट पड़ते हैं जो कि ये कुछ इस तरह से बहुत अच्छा फिगर यहाँ पर बनाया गया है। किस तरह से इस एक इंडिया के मैप में जो मैंने 4 कलर यूज़ किए हैं, ये चारों कलर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंडियन फ्लैग को, सेफरन, वाइट, ग्रीन और बीच में वो ब्लू कलर का सर्कल जो है हमारा। तो ये चारों कलर से हमने इस इंडिया के मैप को रिप्रेजेंट करके यहाँ पर मैं आपको 3 हॉटस्पॉट याद कराऊंगा। सबसे पहला हॉटस्पॉट चलते हैं हमारा हिमालयाज की तरफ, कहाँ पर है? हिमालयाज। सेकेंड हॉटस्पॉट ये दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये सारे के सारे हमारे, और इनको हम कहते हैं इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। देखो जब ये हॉटस्पॉट बनाए गए तो इनको किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से नहीं बनाया गया, वर्ल्ड के मैप के हिसाब से बनाए गए हैं। तो पूरे पूरे जो हिमालयाज हैं उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया। इंडो बर्मा यानी ये जो पूरा एरिया है इसको इंडो बर्मा कहा गया। क्यों? क्योंकि आपको शायद पता हो तो यहाँ पे जो कंट्री है इंडिया का, नेबरिंग कंट्री, उसका नाम है बर्मा। यहाँ जो नेबरिंग कंट्री है ना इंडिया का, इसका नाम है बर्मा। इसका नया नाम म्यांमार है एक्चुअल में, बट एनसीईआरटी में बर्मा ही नाम यूज़ किया गया, इसलिए मैंने बर्मा ही लिखा। इंडो बर्मा यानी ये पूरा एरिया इंडो बर्मा वाला, ये हॉटस्पॉट वाला एरिया। बिकॉज हम इंडिया की बात करें तो मैंने केवल इंडिया का ही मैप यहाँ पे शो किया है। देखो कभी भी अगर आपको इंडिया में नेचर देखना हो घूमने के लिए, तो या तो जाओ वेस्टर्न घाट्स पे, जो कि ये तीसरा वाला हॉटस्पॉट है हमारा यहाँ पर। ये लास्ट वीडियो में देखा था हमने किस तरह से वेस्टर्न घाट्स कहलाते हैं ये, और श्रीलंका भी साथ में इंक्लूड किया है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये केवल इंडिया के बेस पर नहीं बताया, श्रीलंका यहाँ नीचे आता है तो उसको भी हॉटस्पॉट में इंक्लूड किया गया, बट केवल इंडिया की बात चल रही है तो मैंने केवल वेस्टर्न घाट्स, बट इस पूरे हॉटस्पॉट का नाम है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। बहुत बढ़िया, अगर आपको नेचर से मिलना हो कभी जाके तो नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्रीज, जो सॉरी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको विजिट करो, आपको वहाँ पे नेचर से बहुत बढ़िया नेचर देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न घाट तीसरा हॉटस्पॉट है हमारा, यानी हिमालयाज, इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट्स। अगर एक्चुअल में बात करूँ तो जो हिमालयाज का जो रेंज है वो हिमालय का रेंज बहुत बड़ा है। मतलब ये हिमालयाज केवल वहाँ पर नहीं है, ये पूरा का पूरा एरिया यानी यहाँ तक भी पूरा, ये पूरा हिमालयन बेल्ट ही आता है यहाँ पर, समझ गए चीज़। तो ये पूरा हिमालयाज, इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, ये इंडिया के 3 हॉटस्पॉट्स हैं जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। दुनिया में जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं अगर मैं उन सब की एक साथ में बात करूँ तो पूरी दुनिया का जो लैंड एरिया है उसका लेस देन 2% हॉटस्पॉट के अंदर है। कितना? लेस देन 2%। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक्सट्रीम हाई नंबर ऑफ स्पीशीज है, यानी जो नंबर ऑफ स्पीशीज है यहाँ पे इस लेस देन 2% एरिया में भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी खबर है। ठीक है, अब अगर अगर पूरे स्ट्रिक्ट तरीके से, पूरे स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाकर हम इन करीब इन सभी हॉटस्पॉट्स को भी सेव कर लें तो ये जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है वो 30% से भी ज़्यादा कम हो सकता है। केवल 2% लैंड एरिया, यानी सारे हॉटस्पॉट्स को भी अगर आप स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट कर लो तो ये पॉसिबल है। बट चिंता का विषय ये है कि रूल्स, लॉज, प्रोटोकॉल्स बहुत है बट फॉलो नहीं हो रहे। आज भी बहुत बड़े लेवल पर जो है जो कंजर्वेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है और हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। फिर मैं बात करूंगा हॉटस्पॉट के अलावा जो दूसरे तरीके हैं जिसमें है बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कहाँ पे हैं, कौन से हैं, क्या नाम है, नहीं देख रहे, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है नहीं देख रहे क्योंकि ये एनसीईआरटी का रिकैप्चुलेशन है। डिटेल में जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बिल्कुल आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन सा कहाँ पर है किस स्टेट में उसकी भी बात करेंगे। 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? देखो सबसे पहली बात तो कि ये तीनों के तीनों इकोलॉजिकली यूनिक एरियाज हैं। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इन तीनों एरियाज में, और इन तीनों को ऑन पेपर्स लीगली प्रोटेक्टेड कहा जाता है। ऑन पेपर्स क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि पेपर्स में ऐसा कहते हैं कि लीगली प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपको आए दिन न्यूज़ मिल जाएगी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर्स की हंटिंग हो गई, 2 टाइगर्स का शिकार कर लिया गया, टाइगर्स का नंबर कम हो रहा है, नेशनल पार्क में हंटिंग चालू है, समझो मेरी बात को। तो लीगली प्रोटेक्टेड ऑन पेपर्स ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग सीरियस नहीं है, हम लोग
सीरियस नहीं है नेचर को लेकर, और यही चलता रहा तो बहुत जल्दी हमें भी खत्म होना पड़ेगा। सबसे लास्ट बात करता हूँ सेक्रेड ग्रोव्स की। किसकी? सेक्रेड ग्रोव्स की। सेक्रेड ग्रोव्स का मतलब समझते हैं, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, और ग्रोव्स का मतलब होता है बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज मतलब कुछ एक एरिया है बड़ा सा जिसमें बहुत सारे पेड़ है, उस एरिया को हमने पवित्र डिक्लेयर कर दिया। हिंदुस्तान की या भारत की सभ्यता जो है बहुत बढ़िया सभ्यता है, हमें बचपन से ही हमारे पूर्वजों ने ये सिखाया है कि हमें प्रकृति का या नेचर का जो है रेस्पेक्ट करना है। हमें रिलीजन में ये सिखाया गया है कि जो पेड़ होते हैं उनमें भगवान बसते हैं, तो हमें उन पेड़ों को बचाना है। हमारा कल्चर ही ऐसा है जो एम्फेसाइज करता है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी रिलीजियस और उसी कल्चर को फॉलो करते हुए इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स ने कुछ पर्टिकुलर एरियाज को सेक्रेड डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? सेक्रेड डिक्लेयर कर दिया। अब जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन एरियाज को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं और उन एरियाज में बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। कि मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड, ठीक है, और ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोडक्शन। यानी उन एरियाज में जितने भी ट्रीज और वाइल्ड लाइफ है उन सबको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है और उन एरियाज को हम कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। हमारे देश में लोग चाहे कानून को माने या ना माने, लेकिन रिलीजन को ज़रूर मानेंगे, कल्चर को ज़रूर मानते हैं। तो सेक्रेड ग्रोव्स एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे हम लोग जो हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं बायो डाइवर्सिटी को, ठीक है। अब सेक्रेड ग्रोव्स के एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। मेघालय के अंदर खासी और जयंतिया नाम की दो पहाड़ियाँ हैं, उनको सेक्रेड ग्रोव्स डिक्लेयर कर रखा है वहाँ के रहने वाले लोगों ने, और वहाँ पर जो है बहुत अच्छे से इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। और मेघालय अपने आप में एक बहुत खूबसूरत स्टेट है। अगर आप कभी आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा मेघालय। नाम ही देखो, मेघ आलय, मेघ मतलब बादल और आलय मतलब घर, यानी बादलों का घर। आपको शायद पता हो तो आपने बचपन से सुना होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी नाम की एक जगह पे। वो चेरापूंजी एक्चुअली मेघालय में आता है। मेघालय बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ की पहाड़ियों को जो खासी और जयंतिया हिल्स है उनको सेक्रेड या पवित्र डिक्लेयर किया गया है। और हम तो ऐसा मान रहे हैं, कि गवर्नमेंट ऑन पेपर से ही काम करेगी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फिर भी हंटिंग चालू रहेगी, सारा कमर्शियल चलता रहेगा और चलता आ रहा है। लेकिन खासी और जयंतिया हिल्स को के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी रेयर और खतरे पे मौजूद प्लांट्स के लिए लास्ट रेफ्यूज है। रेफ्यूज मतलब कि शरण वाले एरियाज, जहाँ शरण मिली हुई है इनको, कि इतना ज़्यादा अच्छे लेवल्स पे इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में अरावली हिल्स आती है, जो साउथ राजस्थान का पार्ट है। जो राजस्थान में रहने वाले लोगों को पता होगा, उदयपुर और उसके आसपास का जो पूरा हिली एरिया है वो पूरा अरावली हिल्स कहलाता है, और उसके आसपास के एरियाज में भी सेक्रेड ग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र और कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में भी कुछ ऐसे ही सेक्रेड ग्रोव्स हैं। और मध्य प्रदेश के तीन एरियाज, सारगुजा, चंदा और बस्तर, ये तीनों जो एरियाज हैं वो मध्य प्रदेश के वो सेक्रेड ग्रोव्स डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ये कहलाते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। अब मैं बात करूँगा एक्ससीटू कंजर्वेशन की। ये उन प्लांट्स के लिए है या उन एनिमल्स के लिए हैं जो खतरे में है, जो एक्सटिंक्शन के निशान पे है, तो उनको वहाँ से हटाकर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ स्पेशल केयर में हम रखते हैं, उसे कहते हैं हम एक्ससीटू कंजर्वेशन। और बहुत से एनिमल्स तो ऐसे हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट्स में एक्सटिंक्ट भी हो गए, लेकिन आज भी आपको जूलॉजिकल पार्क में देखने को मिल जाएंगे। जूलॉजिकल पार्क आपने देखा होगा आपके एरियाज में, जो जू कहते हो आप जिसको, चिड़ियाघर, वो ही जूलॉजिकल पार्क कहलाते हैं। अब चिड़ियाघर हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये सारे पुराने तरीके हैं एक्ससीटू कंजर्वेशन के। जो एडवांस्ड टेक्निक्स आई है, उन एडवांस्ड टेक्निक से हम किस तरह से कंजर्वेशन करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्रायो प्रिजर्वेशन, आपने क्रायो प्रिजर्वेशन बायो में पहले भी पढ़ रखा है। क्रायो मतलब होता है कोल्ड, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर्स पे चीज़ों को प्रिजर्व करना क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। थ्रेटन स्पीशीज़ जो होती है, उन थ्रेटन स्पीशीज़ के हम गैमिट्स कलेक्ट कर लेते हैं और उन गैमिट्स को हम लोग कोल्ड टेम्परेचर्स पे, फर्टाइल कंडीशन पे, बहुत लंबे टाइम के लिए वहाँ पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और
उनको प्रिजर्व करने के बाद में हम उनका करवा सकते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, कि किस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। नेचुरली फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द सेक्स ऑर्गन्स, बट जो है अगर वही चीज़ लैब के अंदर किसी अपरेटस में की जाए तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो गैमेट्स आप प्रिजर्व करके रख रहे हो लंबे टाइम तक, उन गैमेट्स को बाद में आप यूज़ करके उनको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज भी कर सकते हो उन एग्स को। उसके अलावा टिश्यू कल्चर, आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से छोटे से प्लांट के पार्ट से आप थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, प्रोपोगेट करवा सकते हो उन प्लांट्स को, तो वो टिश्यू कल्चर का मेथड है। और उसके अलावा हमने बना रखे हैं सीड बैंक्स। सीड बैंक नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे बैंक जहाँ पे हम सीड्स स्टोर करते हैं। बहुत से कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के सीड्स को बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर जो है स्टोर करके रखा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि बिकॉज हम अच्छे से समझ गए, कि आज अगर नहीं जगे तो कल हम सबको सोना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, बायोडाइवर्सिटी सारी खत्म हो जाएगी। तो जब हम जगे हैं तो सारी केवल किसी एक देश या किसी एक एरिया के जगने से नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे देश एक साथ आए और उन्होंने कुछ सम्मेलन किए। उन सम्मेलन की यहाँ पर बात करेंगे हम थोड़ा। सबसे पहले आ रहा है अर्थ समिट। समिट एक्चुअली जो होता है, समिट जब कोई बड़ा सम्मेलन होता है यानी कि बहुत से लोग मिलकर, बड़ी बड़ी कंट्रीज के लीडर्स मिलकर जब कोई सम्मेलन करते हैं तो उसे हम कहते हैं समिट या कन्वेंशन कह सकते हो आप उसको। तो पहली बात करूंगा अर्थ समिट की। अर्थ समिट एक तरह का सम्मेलन था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, मतलब किस तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डे जेनेरो, ब्राज़ील के अंदर रियो डे जेनेरो नाम की एक सिटी है 1992 पे। वहाँ पे बहुत से वर्ल्ड लीडर्स मिले, अर्थ समिट की सम्मेलन किया और उसमें फिर डिस्कशन हुआ था कि हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और उनके बेनिफिट्स लेंगे बायोडाइवर्सिटी के, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि आप यूटिलाइज करो चीज़ों को, यूटिलाइज करो उनसे, सर्विस लो, इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स यूज़ करो, लेकिन कुछ इस तरीके से यूज़ करो कि वो इकोसिस्टम भी सर्वाइव करे। आप समझ रहे हैं बात को, सस्टेन करना होता है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आजकल के टाइम पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट चला है, यानी एग्रीकल्चर हम करेंगे लेकिन कुछ इस तरह से करेंगे कि पॉल्यूशन मिनिमाइज किया जा सके, यानी कि इकोसिस्टम को बचाना ज़रूरी है। हम इंडस्ट्रीज भी चलाएं, पैसा भी कमाएं, बिजनेस भी करें, लेकिन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना, तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1992 रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। इसके 10 साल बाद में हमने किया था वर्ल्ड समिट, और वर्ल्ड समिट में हमने सीधा सीधा टॉपिक रखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ज़रूर करेंगे लेकिन डेवलपमेंट कैसा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा जो इकोसिस्टम को साथ में लेकर चलेंगे। और ये हुआ था इस बार जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर एक जोहान्सबर्ग नाम का सिटी है, वहाँ पे हुआ था 2002 में, यानी बराबर 10 साल के बाद में। पहला हुआ था रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील और दूसरा हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर। और यहाँ पर हमारा जो मोटो था वो था कि 190 कंट्रीज यहाँ पर जो है शामिल हुई थी और उन सब ने कमिट किया था कि 2010 तक जो बायोडाइवर्सिटी लॉस की जो रेट चल रही है उसको हम अच्छा खासा कम करेंगे, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और यहाँ तक कि लोकल लेवल पे भी इन सबको कम किया जाएगा। तो इस तरह की देखो एनसीईआरटी ने तो 2002 तक ही लिखा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की काफ़ी सबमिट्स हुई है जो, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, केवल एनसीईआरटी की ही बात करेंगे। हाँ ज़रूर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स बाहर से ली है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो फोटोग्राफ्स चीज़ों को और ज़्यादा आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए या चीज़ों को और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए मैंने आपके लिए किए। तो यहाँ पर देखो ये चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा, बट चैप्टर खत्म हुआ है केवल। ये चार पिक्चर्स देखो और ये चार पिक्चर्स आपको सारी कहानी बयां कर देंगे कि चल क्या रहा है, कि किस तरह से एक पेड़ काटने से केवल आप वो पेड़ नहीं काट रहे, उसके साथ साथ उस हैबिटेट में रहने वाले सारे एनिमल्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये पिक्चर्स क्लियर कर रही है। देखो हमें कल का नहीं पता, हम मेहनत कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ेंगे भी, ठीक है, MBBS में सिलेक्शन भी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब चीज़ें भूल जाएंगे। हमें ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई गई, जब तुम्हें डॉक्टर ही बनाना था नीट करवा के तो हम इकोलॉजी वाला चैप्टर नहीं भी डालते तो भी
आप लोग सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ के पढ़ा सकते थे ना आपको, लेकिन हमने आपको ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ाई ताकि आप इन सब चीज़ों के लिए जगह, एक एक इंडिविजुअल जब तक अपनी कोशिश नहीं करेगा ये सब चीज़ें सही नहीं होने वाली। हम गवर्नमेंट के भरोसे, एनजीओस के भरोसे या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के भरोसे नहीं रह सकते। हमें सबको स्टेप उठाने पड़ेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे हर चीज़ करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से जितना हो सके प्लास्टिक कम करेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे, ठीक है, हर चीज़ में हम लोग काम करेंगे। और हो सकता है जितने भी ये लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि कल को वो स्टूडेंट्स इन इन चीज़ों के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे अच्छा डेवलपमेंट शो करेंगे। देखो ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेशन चाहिए हमें कि किस तरह से नीट क्लियर करें। मैं ये कह ही नहीं रहा आपको कि नीट क्लियर करो, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, ऐसा मत सोचो कि नीट क्लियर नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद रखे, यही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। नीट के लिए जमा के तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो बहुत सारे रास्ते हमारे पास और है, समझो। केवल ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ही हैं जो हीरो हैं इस प्लेनेट पे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एनवायरमेंट के लिए बहुत कुछ किया है इस दुनिया में। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप जगें, ठीक है, आप अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाएं ताकि आप एटलीस्ट खुद को कह सको कि मेरी वजह से, मेरा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था इस दुनिया में वो मैंने किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह से कंसेप्ट पे काम करते रहिए और बने रहिए इल्यूम बायोलॉजी के साथ में।